हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो मॉल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन में आने वाले एक कॉमन एरर के बारे में, जो है एसी लो एंड एसी हाई। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि ये एरर मशीन में क्यों आता है। चलिए उससे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार एसी लो और एसी हाई का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, एसी लो और एसी हाई के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये एरर वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम के कारण नहीं, बल्कि ये वॉशिंग मशीन का या उस कंपोनेंट का एक फीचर होता है जिसमें ये एरर शो हो रहा है। ये एरर आपकी वॉशिंग मशीन में एक फीचर है जो कि आपके कंपोनेंट को बचाता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से। आप सभी नए व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए अब जानते हैं एसी लो और एसी हाई के बारे में। दरअसल एसी लो और एसी हाई क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, एसी लो यानी अल्टरनेटिंग करंट लो और एसी हाई यानी अल्टरनेटिंग करंट हाई। आप सभी को बताना चाहूँगा कि एसी अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अमूमन हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी और एक डीसी। एसी के बारे में भी मैंने आपको बताया अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। देखिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एसी यानी के अल्टरनेटिंग करंट, ये होता है एक फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला करंट, जो कि एक बार प्लस जाता है, फिर जीरो आता है, फिर माइनस जाता है। यानी मान लीजिए आपके घरों में, जैसे हमारे घरों में आती है 230 वोल्ट, तो वो 230 प्लस जाती है, फिर जीरो आती है, फिर 230 माइनस आती है, फिर जीरो, फिर 230 प्लस। और ये एक फ्रीक्वेंसी होती है जो घरों में आप सभी को पता है, फिर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, इतना डीपली नहीं जाएंगे। और डीसी होता है डायरेक्ट करंट, यानी ये किसी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता है। जैसा कि अभी हमने देखा एसी और डीसी के बारे में, अब देखते हैं कि अमूमन हमारे वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम क्यों आती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो आती है 220 से 230 के बीच। स्टैंडर्ड जो वोल्टेज होती है वो इतनी ही होती है, बट उसी के हिसाब से वॉशिंग मशीन भी डिजाइन होती है हमारी। लेकिन अमूमन ये 180 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक भी वर्क कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पर 220 से कम आ रही हो, 180 ज़्यादा आ रही हो, तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि ये मशीन के ऊपर वेरी कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम मशीन में तभी फेस करनी पड़ेगी आपको जब आपके घरों में जो वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, यानी कि वो 220 से 230 के बीच में नहीं है, या तो हाई है या लो है। तो आपको अगर लो आ रही है आपके घरों में वोल्टेज, तो आपको एसी लो आएगा वॉशिंग मशीन में एरर, और हाई आ रही है तो एसी हाई आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता करने के लिए कि आपके घरों में वोल्टेज ठीक से आ रही है या नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप वोल्ट मीटर को लेकर अपने बोर्ड में चेक करेंगे कि उसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, या फिर अगर अमूमन ज़्यादातर घरों में एसी लगा रहता है तो एसी के साथ में वोल्टेज लगी होगी आपके घरों में, तो उसमें आप देख सकते हैं जब अगर मशीन में ये एरर शो कर रहा है तो एसी में जो वोल्टेज है उसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। यानी अगर वो 220 से अप है या डाउन है, तो इसका मतलब आपके जो लाइन है उसमें प्रॉब्लम है। ये मैक्सिमम ज़्यादातर तब आती है जब आप एक ही लाइन के अंदर तीन चार कंपोनेंट को इकट्ठा यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक लाइन है और उसमें आपने वॉशिंग मशीन भी और एसी भी, या फिर आपने गीजर जैसी कोई हैवी चीज़ उसके एक ही लाइन में चलाई हुई है, तब भी ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन अब देखेंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे आपके घरों में आ रही है, यानी आपके घरों में प्रॉपर लाइट नहीं आती है, वो डिम आती है या हाई आती है, तो एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास है कि आप अपने कंपोनेंट पे, जिस भी कंपोनेंट में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उस पे आप वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल बराबर आती है, और कभी कभार ही ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि अभी आप मान लीजिए आपके एक ही लाइन में तीन चार कंपोनेंट लगे हुए हैं और उसी तरीके की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस कंपोनेंट को बिल्कुल अलग लाइन से जुड़वा सकते हैं, तो यह भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितनी जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की है वो जानकारी आपको समझ में आ गई है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन भी दे सकते हैं, और किसी तरह की क्वेरी अगर आपको है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।